भारत युग जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जय प्रकाश के नेतृत्व में ग्राम सामुदायिक शौचालय केयर टेकरों के द्वारा अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक जुलूस और नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र जिला अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि समस्त केयर टेकर कार्यकर्तागण ग्रामीण सामूहिक शौचालय पर अपनी सफाई सेवा को पूर्ण रूप से कर रहे हैं तथा ग्रामीण शौचालय की साफ सफाई और देख रेख के लिए शासन द्वारा चलाए गए स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को केयरटेकर के रूप में तैनात किया गया है, जिसका भुगतान 9,000 रुपए की धनराशि ग्राम पंचायत के समूह के खाते में करना होता है और 3,000 तो शौचालय की साफ सफाई सामग्री रख रखाव हेतु प्रतिमाह खर्च होता है तथा उक्त समूह महिलाएं उनका मानदेय निकलवाने में आनाकानी करती हैं। मानदेय निकलवाने हेतु उक्त समूह की महिलाएं उनके मानदेय से शुल्क वसूल करती हैं तथा उक्त शौचालय के साफ सफाई हेतु 3,000 जो आवंटित किए जाते हैं उन्हें समूह अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रधान के साथ मिलकर उसके सहयोग से गमन कर लेते हैं। जिसका शौचालय में तैनात महिला केयरटेकर विरोध करती हैं तो उन्हें हटाने की धमकी दे दी जाती है। इस प्रकार से कई कई माह का वेतन केयरटेकरों को अभी तक नहीं मिला है। अतः ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जल्द ही केयरटेकरों का मानदेय उन्हें दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार द्वारा महिला केयरटेकरों को दिए जाने वाला मानदेय समूह के खाते में न डालकर उनके निजी व्यक्तिगत खातों में डाला जाए ताकि भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्ञापन देने वालों में पूजा कुमारी, रीना, वर्षा, बबीता, अखिलेश, आशा देवी, नीलम, ज्योति, शशिबाला, गीता, ममता, रजनी, बबीता, मुनेश, सुमित्रा, ममता आदि काफी सारी महिलाएं मौजूद रहीं। हम लोग मरवा से आए हैं, पूरे जिले से, सभी गांव से, सभी ब्लॉकों से आए हुए हैं। हमारा संगठन नहीं, पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या ये है हमारी कि ये जो केयर टेकर हैं जो ग्राम शौचालय पर लगे हुए हैं, पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे यूपी में लगे हुए हैं, तो इनका जो मानदेय आता है वो था 6,000 रुपए और 3,000 रुपए आते हैं खर्चे के लिए, जो उसकी साफ सफाई के लिए, फिनाइल वगैरह के लिए जो खर्चे के सामान आते हैं। वो प्रधान क्या करते हैं कि ना तो उनको 3,000 रुपए देते हैं और जो इनका मानदेय आता है 6,000 रुपए, 4-4, 5-5 महीने में लोगों की सैलरी आती है, उसमें भी प्रधान जब पैसे डालते हैं, प्रधान के डोंगल से पैसे पड़ते हैं इनके खाते में, तो उसमें से प्रधान पैसे ले लेते हैं, प्लस जो इनका सैलरी आती है वो समूह के खाते में आती है। जो समूह के खाते में आती है तो समूह वाली महिला पैसे मांगती है इनसे, निकाल बड़ा परेशान करती है और जो है इन लोगों से पैसे मांगती है समूह वाली भी। तो हमारी मांगे आज ये है कि इनका जो मानदेय है वो इनके पर्सनल खातों में आए, इनका जो प्रधान द्वारा सोशल द्वारा बंद किया जाए, प्लस एक समस्या हो रहा है कि प्रधान इनसे 2-2, 3-3 जगह काम ले रहे हैं, शौचालय के अलावा कभी स्कूल में लगा रखे हैं, कुछ जगह जो है पंचायत घर में लगा रखा है, घरों तक का काम करवा रहे हैं लोगों से, क्योंकि गरीब लोग हैं बेचारे, मजदूर लोग हैं, छोटे लोग हैं, इसलिए इनका शोषण किया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इनका शोषण बंद हो, इनका मानदेय इनके खातों में आए, उनका शोषण जो बंद होना चाहिए। डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने। राखी नाम है मेरा। राखी कहाँ से आए आप लोग? मैं मोहम्मद यादपुर से आई हूँ सर, बिलारी ब्लॉक। क्या समस्या लेकर आई हैं सर? मेरा मतलब हमारे यहाँ पे सभी केयर टेकरों को ये परेशानी है कि मतलब मानदेय निकालने में परेशान करते हैं प्रधान लोग भी, समूह वाली महिलाएं भी, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी हो जाती है जो कि एक एक साल में भी देते हैं, कुछ लोगों को एक एक साल की भी रुकी हुई है। हमारा मानदेय में से पैसे भी मांगते हैं, ना साफ सफाई का सामान मिलता है हमें। आप कितने समय से पैसा रुका हुआ है आपको? सर हमारा तो 7 महीने से रुका हुआ है, और कुछ लेडीजों का सर 1 साल का भी है, किसी का 5 महीने का भी है सर। सैलरी निकालते हैं, इकट्ठी निकालते हैं, तो प्रधान लोग पैसे मांगते हैं हम लोगों से, समूह वाली प्लस मांगती हैं पैसे, टाइम पे सैलरी निकाल के नहीं देते हैं सर। ये समस्या सर, हमारा मानदेय हमारे खाते में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं।